कृपया आप सभी लोग दोबारा जुड़ जाइए और जिनके पास किसी और का नंबर है तो उनको सूचित प्लीज कर दीजिए। डॉक्टर पंडिता जी आप जुड़ गए क्या? सर डॉक्टर पंडिता जी दिया है उसको आप लिंक अप करें प्लीज, उसी पे वही नंबर है वही सब कुछ है। हाँ बाकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और हाँ जी हाँ जी उसी पे बाकी सारे हो गए हैं लगभग। हाँ टाइम आउट हो गया था क्या उसको जी? हाँ जी सर मुझे लगता है कि इसमें ना टेक्निकल नहीं गड़बड़ हो गई, अदरवाइज तो ये शाम को 7 बजे तक है। ओके ओके ठीक है हमने ज्वाइन तो कर ही लिया। हाँ जी हाँ जी सर बाकियों को भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने मैसेज कर दिया नेता जी को मैं दोबारा आप भी कर सकते हैं सर, जो जो होस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली साथ में कई काम हो जाते हैं ना, एक साथ मैनेज करने वाले की चीजें हो जाती हैं। जी 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 एक सेकंड पंडिता जी को डॉक्टर साहब को देख लें हम कि वो जुड़ जाएं। ये पहले प्रॉब्लम नहीं आई थी, हर बार नई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं एक बार उनको फ़ोन करके देख लूं। एक सेकंड लगेगा मैं उनसे संपर्क में। डॉक्टर पंडिता जी का कॉल वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं और पास्टर जी एक बारी फोन पे आप उनको बोल दीजिए। हाँ जी हाँ जी वही मैं उनको कॉल बैक कर रहा हूँ, वो पिकअप नहीं किया वो शायद। हाँ जी सर आपको रीकनेक्ट करना पड़ेगा सर एक सेकंड। हाँ जी प्लीज़ एक बार रीकनेक्ट कीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी उनको सूचना मैंने दे दी है तो वो एक बार जुड़ जाते हैं तो हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर रहेगा, ओपन हाउस रहेगा, आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं। तो मैं उनके वेट कर रहा हूँ कि वो एक बार जुड़ जाएं। मैडम वर्षा आप जुड़ गए? जी जी हेलो ओके हेलो पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ठीक है सर ओके हैं। ये अचानक ही हुआ लेकिन जैसा कि मैं शुरू में ही कहा था कि टेक्नोलॉजी जो टेक्ने शब्द है वो ग्रीक और मायावी शक्ति के लिए उसको प्रयोग करते हैं तो मायावी प्रभाव जो है वो दिखाई दे ही गया। ये तो थोड़ा सा अच्छा रहा कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया इसमें एक मैसेज से। सो इन टाइम हालांकि ये शाम को 7 बजे तक इसमें वैलिड रहता है टाइम मेरे पास, आई डोंट नो कि भाई क्यों ये हो गया बट एनीवे। सो
लेट्स होप कि भाई वो जल्दी से जुड़ जाए। जी, एक सेकंड। आशुतोष जी कुछ टाइम आउट हुआ था इसका? हाँ जी, हाँ जी, वो होना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास ये सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक रहता है, क्योंकि वो सारा दिन कुछ ना जी कुछ चलता रहता है, तो इसलिए ये महीने में पहली बार ऐसा हुआ किसी भी उसमें। बट एनीवे दिस हैपेंस, होता है, थोड़ा सा धैर्य रखें। बड़ा अच्छा रहा, और मैं तो बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना और बहुत नई बातें सुनने को मिली हैं। जब तक पंडिता जी डॉक्टर साहब जुड़ते हैं, मैं इसका लाभ उठा लूँ आप लोगों के साथ। एक दो प्रश्न मैं और ले लेता हूँ। ये अगर स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं, अगर ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, तो लास्ट के दो, बल्कि लास्ट का क्वेश्चन ही देखें। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोरियंस टू हिंदू इंडिया, हिंदू आइडेंटिटी, कि हिंदू आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में हिस्टोरियंस ने किस तरह का योगदान दिया, ये अपने आप में एक बड़ी रुचिकर बात होगी। क्योंकि बाकी सभी आइडेंटिटीज को तो एस्टेब्लिश किया उन्होंने, हिस्ट्री को लिखा, लेकिन हिंदू हिस्ट्री की आइडेंटिटी, जो हिंदू आइडेंटिटी है, उसमें कहाँ तक वो सफल रहे हैं और किस तरह से किया है, ये मुझे लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम बाद में लेंगे। प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर पंडिता जी आप सर जुड़ गए, तो अगर वो अकेले कर रहे होंगे तो शायद कठिनाई हो। हालांकि जुड़ना तो सिंपल सिंपल सा ही था, लेकिन जी, एक सेकंड। हाँ जी सर, वो जुड़ गए हैं। और डॉक्टर साहब नमस्कार, दोबारा जुड़ने के नमस्कार। लिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी पे मेरा बस नहीं था, तो अच्छा हाँ अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है तो कंटिन्यू सर। करूं? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाह, मैं क्षमा मांगता हूं कि यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई बीच में। और मैं ये कह रहा था कि चित्रलेखा को मैंने दे दिया वो हिस्टोरियोग्राफी इन मिडिल कश्मीर, और उसने अपनी किताब में कहीं मेरा वो सेंटेंस डाल दिया और फिर फुट नोट में लिख दिया रेफर एसे मिडिवल हिस्टोग्राफी बाय डॉक्टर के एन पंडिता पेज 1 to 15। आप देख लीजिए पेज 1 to 15, यानी पढ़ने वालों को पेज से आगे कोई बात जानना नहीं चाहिए। तो ये हाल है हमारे हमारे कुछ हिस्टोरियंस का। अब ये देख लीजिए कि हमारे इतने बड़े इतिहास को, इतने बड़े सोर्सेस को पढ़े बगैर कश्मीर के बारे में और कश्मीर के लोगों के बारे में अपने डिसीजंस बनाना, और वो भी 100-150 साल मुगलों की हिस्ट्री को सामने रखकर, ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। और इसके इसको काउंटर करने के लिए हमें इन तमाम सोर्सेस को लेकर के, जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हर फील्ड में हैं। मैं लंदन में था और ब्रिटिश म्यूजियम में गया, वहाँ मैंने देखा एक कश्मीरी सेक्शन है। मैं कश्मीरी सेक्शन में गया और बहुत मेरी रुचि हुई, और 1-1.5 घंटे तक मैं सब वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स देखता रहा, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स देखता रहा, और उसमें लिखा था ऊपर द फाइंड्स रिट्रीव्ड फ्रॉम बुशकुर इन बारामूला। मैं बारामूला का रहने वाला हूँ, मैं बुशकुर का रहने वाला हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ।
और वो क्यूरेटर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मेरे पास आया और कहने लगा कि आप 1.5 घंटे से देख रहे हैं, आपको क्या इतना इंटरेस्ट है। मैंने कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूं जहां से ये आपने उठा करके लाए हैं, ये मेरे गांव की मेरे घर के दाएं बाएं खोद खोद करके आपने निकाले, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो उस आदमी ने कहा कि मैं खुद कश्मीर एंशंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। और फिर मुझे दबी जबान में कहा कि अगर कश्मीर के टेंपल्स और उसका उनका आर्किटेक्चर ऑल ओवर द वैली, चाहे वांगत हो, चाहे तापर हो, चाहे बुनियार हो, चाहे कोई भी हो, उनको तबाह न किया गया होता तो कश्मीर का आर्किटेक्चर ग्रीक आर्किटेक्चर के बराबर होता, ये उनकी राय थी। इसलिए एंशंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डिस्पैशनेट बनना पड़ेगा, आप कोई एक आइडियोलॉजी लेकर नहीं चले, आप नहीं समझ सकते। आप देख लीजिए इस बात को कि कश्मीर में शैविज्म लोग शैविज्म के बहुत फॉलोवर्स रहे, बुद्धिज्म का 1,500 साल वहां पर दौर दौरा रहा है, डिफरेंट जैनिज्म का भी रहा है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज का रहा है। आपको कश्मीर की एंशंट हिस्ट्री में एक भी ऐसा इवेंट नहीं मिलेगा जहां धर्म के नाम पर मर्डर किया गया, पॉलिटिक्स के लिए मर्डर किया गया, राजाओं को मर्डर किया गया, प्रिंसेस को मर्डर किया गया, इंडिविजुअल्स को मर्डर किया गया पॉलिटिकल रीजंस के लिए, पर्सनल वेंडेटा के लिए, जेलसी के, लेकिन धर्म के नाम पर किसी बौद्ध को, किसी जैन को और किसी विष्णुवाइट को, किसी शैवाइट को नहीं मारा गया। ये एक टॉलरेंस की ऐसी मिसाल मैं नहीं समझता कहीं और हमें मिल सकती है। इतना ही नहीं, एंशंट कश्मीर में अगर राजा शैवाइट था तो उसने शिवा के नाम से मंदिर बनाया या कोई तीर्थ स्थापन बनाया, रानी ने बुद्धा धर्म का की पैरवी करते विहारा बनाया, स्टूपा बनाया, और इनमें कोई आपस में कोई डिफरेंस नहीं रही। इसीलिए बुद्ध मत मत बहुत देर तक और बहुत इफेक्टिवली कश्मीर में प्रचलित रहा बगैर किसी प्रॉब्लम के, और आजकल इतने विहारा है, जिस भी प्लेस नेम का आखिरी हिस्सा हार है वो एक्चुअली विहार है, चंद्रहार, चंद्र विहारा या गुचियार, ये गोपी विहारा है, ये विहारा का हार बन गया। ये बुद्धिज्म के स्प्रेड का एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी इनको मिल गई, तभी जा करके कश्मीर से बड़े बड़े जिनका नाम, बड़े बड़े बुद्धिस्ट टीचर्स मिशनरीज जिनका महेश जी ने नाम लिया, बड़े विस्तार से नाम लिया, इन्होंने कश्मीर से चलकर अपना दूसरा ठिकाना पिशावर में जिसका नाम पुष्कलावती था वहां बनाया। भगड़ी ऋग्वेद में आया है, बल्ख का नाम है, वहां से चलकर जो आजकल ताजिकिस्तान कहते हैं, जिसको तुखारा कहते हैं, ऋग्वेदा में भी आया है, वहां जाकर अपना बना रहे। ताजिकिस्तान के एक शहर का नाम है पंजीकंद, पंजीकंद दुशंबे कैपिटल से कोई 200-250 मील के फासले पर है। पंजीकंद में दुनिया का सबसे बड़ा लाइम स्टैचू बुद्धा का मिला है, 58 फीट, इतना बड़ा स्टैचू जिसको उन्होंने उठा करके अब ताजिकिस्तान के म्यूजियम में रखा। मैं खुद पर्सनली मैं पंजीकंद भी गया और ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशंबे में भी गया और मैंने इनको
और यहीं से ये कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज आगे चल करके मंगोलिया पहुंचे, आगे चल करके फिर तिब्बत पहुंचे, आगे चल कर फिर चाइना वगैरह, जापान और साउथ इंडिया की तरफ भी बढ़ गए। ये कंट्रीब्यूशन हमारे हमारी तारीखों में, हमारी हिस्ट्री में आजकल ना तो कहीं ललिता आदित्य का नाम आता है, ना कहीं अभिनव गुप्ता का नाम आता है, ना कभी और दूसरे आचार्यों का नाम आता है, ना ये बताया जाता है कि संस्कृत लिटरेचर के फैलाने में कश्मीरियों का कितना योगदान रहा। हमारा हमारी हिस्ट्री में हाँ बादशाह जिसको जैनुल आबदीन सुल्तान था, चौथा पांचवा सुल्तान शामिली खानदान का, उसका जिक्र फारसी हिस्ट्रीज में जी भर कर किया गया है। फारसी हिस्ट्रीज की मैं बात करने वाला था तो ये कट गया था। फारसी हिस्ट्रीज में हमारे पास दो ही किताबों को हम मान सकते हैं जिन्होंने बड़े फेयरली बगैर किसी पार्टिजनशिप के इन थोड़ा बहुत एंशंट कश्मीर हिस्ट्री को डील किया है। एक है अबुल फजल की आईन अकबरी, एक ये किताब है, और दूसरा हमारे ज़माने में 1890-91 में लिखी गई किताब है तारीख कश्मीर गुलाम हसन की, गुलाम हसन खुई हामी। गुलाम हसन खुई हामी 1890 में शायद लारेंस के साथ भी रहा है जब वो लैंड सर्वे हो रहा था। वो कहता है कि मेरी तीसरी पीढ़ी जो है कन्वर्ट हो गई, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ कन्वर्शन के, और अपने दादा का नाम गणेश कोल बताता है। शायद उस वजह से उसने थोड़ा सा हटकर एंशंट कश्मीर के बारे में अपनी किताब तारीख कश्मीर फारसी की किताब में लिखा है। और एक आध झूठ बात भी कही है कि 35 राजा गोनंदा डायनास्टी के, जिनके बारे में कल्हन कहता है कि उनका कुछ पता नहीं चला और वो 200 साल का पीरियड बनता है, वो कहता है कि मुझे मिले थे ये, लेकिन वो गायब हो गए, उस पर मैं बिलीव नहीं करता। ये दो किताबें हैं, और तीसरी किताब जो कश्मीर के बारे में रियली कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट देती है, वो है अलबरूनी की मालुल हिंद। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, लाहौर में बैठा था, कश्मीर आया या नहीं आया इसका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में, कश्मीरी पंडितों के बारे में वो लिखता है कि मैंने इनसे एस्ट्रोनॉमी सीखी, और एस्ट्रोनॉमी साइंस में कहता है इनका कोई मुकाबला नहीं है अलबरूनी। लेकिन बाकी जो मिडिवल हिस्टोरियंस हैं फारसी के, उनको मैं हिस्ट्रीज नहीं मानता, वो सिर्फ सूफियों और संतों को बहुत बड़ा चढ़ा करके उनके करामात, उनके बड़े बड़े करिश्मे, मिरेकल्स, लंबी चौड़ी दास्तान है जिनका दूर दूर भी ताल्लुक, कोई कंसर्न मिडिवल हिस्ट्री के या एंशंट हिस्ट्री के साथ नहीं, वो हिस्ट्री नहीं। और जिन दो फारसी हिस्ट्रियों ने, तारीखों ने कश्मीर में क्या किया इन्वेडर्स ने 1339 के बाद, जिन लोगों ने लिखा था, वो दोनों हिस्ट्री गायब कर दी गई थी, एक बहारिस्तानी शाही और दूसरी तोहफतुल अहबाब। इन दोनों का जिक्र महेश जी ने किया थोड़ा सा। बहारिस्तानी शाही इन्हीं लोगों ने लिखी है, एक कोशिया आथर है और वो गायब था। मैं वहाँ कॉपी एक थी रिसर्च लाइब्रेरी में श्रीनगर की, मैं कई बार गया और उन लोगों से कहा कि मुझे दिखाइए, उन्होंने नहीं दिखाया। आखिरकार एक साहब थे बुजुर्ग, एक कोने में बैठे थे, उन्होंने मुझे बड़े अंदाज से बोला कि पंडित साहब आप कई चक्कर लगा चुके हैं, आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं बहारिस्तान शाही दे दीजिए मुझे, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि वो आपको नहीं मिलेगी, आपको नाउम्मीदी होगी, हमारे पास है। मैंने कहा क्यों नाउम्मीदी होगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा उस जमाने मैं सादिक सादिक चीफ मिनिस्टर था,
उसने कहा सादिक साहब ने लिखा है कि इस किताब को मत एक्सपोज करो, डोंट एक्सपोज दिस मैनुस्क्रिप्ट, तो नहीं किया। एनीवे मैंने उसका मैनुस्क्रिप्ट लंदन जाकर ब्रिटिश म्यूजियम से लाया, उसका ट्रांसलेशन किया और उसको छपाया। तो छपने के बाद पहली बार कश्मीर के हिस्टोरियंस को, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के थे, उनको पता चला कि हमने क्या जुल्म सितम किए हैं और किस तरह से हमने कन्वर्शन करवाया है। इसके बाद उसी किताब में मुझे इशारा मिला तोहफतुल अहबाब का। मैं, समय कम है, मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि तोहफतुल अहबाब के चार चैप्टर्स हैं। पहला और चौथा चैप्टर नायाब है, गायब है। मैंने हिंदुस्तान में रामपुर लाइब्रेरी में, कलकत्ता में, एशियाटिक सोसाइटी में और अपने संग्रहालय में, दिल्ली में, कश्मीर में, हर जगह जहाँ भी मैं गया, मैंने देखा कि फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर इसका गायब है, नहीं है। फाइनली मुझे, मैं बड़ा यकीन हो गया, मुझे देखना चाहिए है क्या। फाइनली मुझे पता चला कि अस्करदू में, जो आप गिलगित बल्तिस्तान में आता है, पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ एक किसी आखूंद है, उसके पास है मैनुस्क्रिप्ट। ये मुझे किसी अमेरिकन प्रोफेसर के जरिए पता चला, तो मैं उसके पीछे लग गया। लंबी चौड़ी दास्तान है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चार पाँच साल लग गए। तो मैंने उस मैनुस्क्रिप्ट की कॉपी और मंगवाई अस्करदू से, बहुत मुश्किल से मेरे पास आई, और वो भी मैंने मिलिटेंट्स के जरिए ही किताब मंगवाई, उसका ट्रांसलेशन किया। और आदित्य प्रकाशन ने, ये जो वॉइस ऑफ इंडिया वाले हैं दिल्ली में, उन्होंने इसको छापा और लास्ट ईयर उसका दूसरा एडिशन छापा। इस किताब के पढ़ने के बाद हर कश्मीर के हर एक हिस्टोरियन को, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से रखता हो, खासकर मैं जो अपने आप को लेफ्टिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉग कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत कुछ आपने लिखा, बहुत कुछ आपने पढ़ा, और यह भी पढ़ लीजिए, इस किताब को भी पढ़ लीजिए। मैंने नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ फुट नोट्स लिखे हैं, एनोटेशंस लिखे हैं, इंट्रोडक्शन 80 पेजेस का लिखा है। आप टेक्स्ट को पढ़ लीजिए और अपनी आइडियोलॉजी को देख लीजिए, आप क्या कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जमाना वो आया है कि हम एक बार पुरानी ट्रेडिशन को, पुरानी पुरानी ट्रेंड को, रिविश को छोड़ें और नए भारत के निर्माण में हमारी इतिहास का बहुत बड़ा रोल है, कश्मीर के सही इतिहास को सामने लाया जाए और इसकी चर्चा हो, करिकुलम में शामिल हो, मेजर इवेंट जो हैं उनका जिक्र हो। ये महाभारत से लेकर आज तक, अब महाभारत का महेश जी ने जिक्र किया कि कश्मीर की गोनंदा 3554 साल पहले की बात, गोनंदा किंग गोनंदा फर्स्ट को श्री कृष्ण के भाई बलराम ने मारा था। पांडवों ने एक लगभग 1100 साल कश्मीर पर राज किया है। पांडवों के निशान बेशुमार जगहों पर कश्मीर में मिलते हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री जो है नए सिरे से लिखने की ज़रूरत है, नए सिरे से रिसर्च करने की ज़रूरत है, बड़ी डिस्पैशनेटली लिखने की ज़रूरत है। एक तो ये हुआ और दूसरा 1947 के बाद हमें तो बिल्कुल, हमारे लिए ये दरवाजे, ये सोच बंद कर दिए गए, कुछ भी नहीं कहा गया। हमारी हिस्ट्री 1339 शुरू होती है, शाह मीरियों के आने के साथ शुरू हो जाती है, और वो भी पूरी नहीं है। काजी चक का, मूसा रैना का और शमसुद्दीन अराकी का क्या रोल रहा है, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं। हाँ, सिर्फ जैनुल आबदीन का बहुत बढ़ चढ़कर जिक्र है, और फिर यूसुफ शाह चक का रोना धोना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि
एक लेसन हमसे हम हासिल करें सब इतिहास से और एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करें। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आपने टाइम दिया, मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन यह ज़रूर है कि मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत मेरे अंदर एक अर्ज है कि करेक्ट हिस्ट्री लिखी जाए, कश्मीर की लिखी जाए हिस्ट्री। और ये किताब जो मैंने इसी साल छापी है, 10 स्टडीज इन कश्मीर ऑफ कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इसका भी यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट, कैसे वाकात को डिस्टॉर्ट किया गया है और उनको नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है। मैं आपका आभारी हूँ और इसी के साथ मैं अपना भाषण सुनूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है आपके इस विद्वत्तापूर्ण विषय के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी दृष्टि के लिए, आपके विजन के लिए, आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के लिए। मुझे लगता है कि मेरे पास शब्दों की कमी है। डॉक्टर साहब, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मुझे लगता है आपका धन्यवाद करने का तरीका, कश्मीर से चलें तो बंगाल से उठ करके मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूँ टैगोर की एक कविता के रूप में। वो चार पंक्तियों की एक कविता है, के लॉयबे मोहा कार्जो काहे शांधा रवि शुनिया जगत निरुत्तर रहे शुनिया निरुत्तर रहे माटिर प्रदीपो शे केलो शामी आमार जेटु को शाद्धो करी बोता आमी। बड़ा सरल सा अर्थ है उसका, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी इंस्पायरिंग कविता है, और आपको सुनने के बाद मुझे वो ध्यान आ गई। वो कहते हैं, शाम का सूरज छिपने जा रहा है और वो सभी को पूछ रहा है, सारी दुनिया को, कि मेरा काम कौन करेगा, मैं तो चला जाऊंगा। सारे लोग मौन रह गए, लेकिन एक मिट्टी का दिया आगे आता है और वो कहता है कि शामी आमार जेटुकु शाद हो, मेरे में जितना सामर्थ्य होगा वो मैं करूँगा। तो आपके इस सिंसेरिटी, डेडिकेशन, आपके विजन, आपकी मेहनत, जो कुछ मुझे आज पता लगी है, जिससे मेरा साक्षात्कार हुआ है, तो उसके प्रति मैं इसको समर्पित करता हूँ। और मैं अपने को बड़ा अहोभाग्य मेरे हैं कि आप जैसे विद्वान को मुझे सुनने का मौका मिला। और इतिहास कैसे लिखा जाता है, कितना कितना अपना खून जलाना पड़ता है उसके लिए, कितनी उसमें मेहनत लगती है, ये तो छोटी बात नहीं है। आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, इस अपेक्षा के साथ ये हाउस जो है ओपन है। हमारे तीनों जो वक्ता हैं उनसे अगर कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं, अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। और फिर अंत में उसके बाद जो है श्री संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र अकादमी की रिसर्च काउंसिल के, वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन जैसा कि एक मर्यादा रखनी पड़ती है कि सभी एक साथ माइक नहीं ऑन करेंगे, कृपया एक एक करके ही अपना अपना वक्तव्य रखना चाहें तो रखें। लगभग 10 मिनट हमारे पास और हैं, और उसके बाद फिर धन्यवाद ज्ञापन जो है वो करेंगे। मेरा एक प्रश्न है आशुतोष। हाँ जी, आप काशी जी से करके, राहुल दीमान जी परिचय दे करके। जी, राहुल दीमान, खंड संयोजक धर्म जागरण समन्वय अम्बाला। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पुस्तक उन्होंने ट्रांसलेट की है वो प्राप्त कहाँ से हो सकती है, उसका प्राप्त आपको नेट पे भी मिलेगी मेरा ख्याल है, और बाकी तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं पब्लिशर कौन है। जो ये तोहफतुल अहबाब है उसका है मुस्लिम मिशनरी इन मिडिवल कश्मीर, ये आपके दिल्ली में आदित्य प्रकाशन है अंसारी रोड पर, वॉइस ऑफ इंडिया, उनसे मिले। जी ठीक है, एक बार रिपीट कर देंगे सर, पब्लिशर का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। आदित्य प्रकाशन, आदित्य प्रकाशन, आप आदित्य, धन्यवाद। और कोई है, और उसके बाद ऑफ कर दीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार मैम, मैं बीना अग्रवाल बोल रही हूँ। जी जी जी, मैं हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाती हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, बहुत सारी जानकारी मिली। मेरा एक प्रश्न है, जानकारी
चाहिए जो भी तीनों वक्ताओं में से जो भी दे सके। प्लीज बाकी ऑफ रखिए। मैं हाँ जी हाँ जी प्लीज मैडम। कश्मीर के संस्कृत साहित्य या इन जनरल इतिहास में भक्तिपूर्ण स्तोत्रों का प्रारंभ कब से हुआ, भक्ति का और स्तोत्र कब प्रारंभ में मिल रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं चाहती हूँ। जी मैम, डॉक्टर साहब और मैं मैडम बीना अग्रवाल जी के बारे में बताना चाहूँगा कि कश्मीर शैविज्म के ऊपर ही इन्होंने अपने पूरे कैरियर में उसके ऊपर काम किया है और इस वक्त जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में संस्कृत विभाग में है और तंत्रालोक के ऊपर विशेष रूप से इनका कार्य है और वो प्रकाशित भी। डॉक्टर साहब ये संस्कृत स्तोत्र साहित्य के बारे में आप मैडम का प्रश्न है वो कृपया आप बताएं। महेश जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर महेश आशुतोष जी मैं इसका उत्तर दे दूं? हाँ हाँ प्लीज जी, जी, वो कह ही रहे हैं डॉक्टर साहब कह ही रहे हैं। अच्छा जी महेश जी। नहीं मैं सुनील रैना बोल रहा हूँ, महेश जी तो आई थिंक है। अच्छा प्लीज सुनील जी आप ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा है कि जो हमारे पास शैव ग्रंथ जितने भी है उनमें से सबसे पहले भक्ति की जो सबसे पहली कोई पुस्तक या कोई रचना हुई है वो भट्ट नारायण की स्तव चिंतामणि है। ओके ओके। अब भट्ट नारायण की स्तव चिंतामणि के रूप के बाद ही आचार्य उत्पल देव ने अपनी शिव स्तोत्रावली की रचना की, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी रचना में भक्ति के ओतप्रोत होके इतने सारे श्लोक लिखे। तो अगर उससे पहले का कोई हमारे पास भक्ति के रूप में कोई इस प्रकार का मतलब कोई ऐसा इतना अच्छा कोई ग्रंथ है नहीं, तो भट्ट नारायण की ही हम मान सकते हैं कि स्तव चिंतामणि जो थी 7वीं सदी के आसपास, जिसको हम एक ना एक सबसे बड़ा विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ मान सकते हैं जिसमें भक्ति से भक्ति की प्रेरणा जिनको हुई है। जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और किसी की हेलो आशुतोष जी डॉक्टर अच्छा वाजपेयी आशुतोष जी मैं डॉक्टर मेरी आवाज आ रही है? हेलो पहले पहले वाजपेयी जी अपने महेश कौन बोल रहा हूँ? हाँ जी आवाज आ रही है महेश जी। हाँ सर मैं उत्तर देना चाहता हूँ जी। ये जो बीना जी का प्रश्न था जी जी, इसमें सुनील जी ने तो बहुत अच्छा इनको वो दे दिया, लेकिन एक और मैं ऐड करना चाहूंगा भक्ति के बारे में। एक उत्पल देव की भी अगर शिव स्तोत्रावली देखें जी। तो अपने आप में एक उत्कृष्ट है। दूसरा लल्लेश्वरी का भी एक भक्ति भाव रहा, या उसके बाद अरिनमाल रही कश्मीर में अरिनमाल, और अरिनमाल के साथ साथ आपका ये लल्लेश्वरी अरिनमाल और रूप भवानी, तो इसमें भी हम अगर देखें तो उसमें फोक भी आ जाता है और शिव जो शैविज्म है तर्क दर्शन उसको सरल भाषा में भक्ति की ओर ले आ जाता है। हाँ जी तो इसको भी हम देख सकते हैं। हाँ जी लेकिन वो लेटर पीरियड के हैं मैडम उसके। हाँ लेटर पीरियड के हैं। हाँ जी अर्ली में जैसे सत्व चिंतामणि हो गया या शिव स्तोत्रावली है जी जी, तो उसको हम देख सकते हैं। थैंक यू। हाँ डॉक्टर वाजपेयी जी प्रमोद कुमार वाजपेयी जी मैम नमस्कार। हाँ जी मैम। हाँ मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ सेमिनार की सफलता के लिए। तीनों ही जो व्याख्यान थे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन महेश कोल जी का जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने जो सूफी परंपरा की बात की वो बहुत अच्छी थी। राजा रंजीत सिंह जी के बारे में जो बताया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है उनसे कि उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में हिंदू शब्द, वो मेरे ख्याल से हिंदू शब्द नहीं आया, आर्य शब्द आया वहां पर। मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। बेसिकली आपने सही कहा कि उसमें हिंदू शब्द नहीं आया, लेकिन उसमें जो सावरकर ने जो उसकी व्याख्या की है, क्योंकि सावरकर के बारे में तो इतनी भ्रांतियां रही, लेकिन उनका जो लिटरेचर है जिन्होंने हिंदुत्व के पंच प्राण हिंदुत्व एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखा, उसमें जो श्लोक उद्धृत किए हैं उसमें सप्त सिंधु की बात की और फिर उन्होंने बताया जस्टिफाई किया। उन्होंने जब उसको जस्टिफाई किया है तो उन्होंने व्युत्पत्ति ही नहीं उसके प्लेस कॉन्शियसनेस को लेकर उन्होंने इसको फिर जस्टिफाई किया कि हम
हिंदू हैं या क्या, इसका क्या आधार है? क्यों इसका कोई आधार जो है लिंग्विस्टिक आधार तो है, क्योंकि लोगों को बोलना नहीं आता था उच्चारण, लेकिन उसके पीछे जो प्लेस कॉन्शियसनेस के कारण उन्होंने उसको उस संदर्भ में लिया है। क्योंकि कई लोग हमें कहते हैं कि भाई ये वे ऑफ लाइफ, हम तो कहते नहीं वे ऑफ लाइफ, हम तो कहते हैं इसकी सीमाएं कुछ और हैं, लेकिन जो सावरकर कहते हैं वो फ्रंटियर्स को ध्यान में रख के, जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं, सीमाओं के लिए। महाभारत में भी कहा गया है कि देश की सीमाएं माताओं, माता के वस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन्होंने उस संदर्भ में ऋग्वेद को किस हिसाब से डिकोड किया, एग्जैक्ट श्लोक नहीं कह सकता आप उसमें, सिर्फ सावरकर को आप देखिए उसमें, क्योंकि छोड़िए जो प्रोपेगेंडा चलता है, सावरकर को एज ए हिस्टोरियन और एज ए लिंग्विस्ट देखना पड़ेगा, और उसमें वो उसको बड़े खूबसूरती के साथ व्याख्यान कर। हाँ जी, वो बात स्पष्ट होगी सर, आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया व्याख्यान था। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद तीनों को, आशुतोष जी को भी। आशुतोष जी धन्यवाद, आशुतोष जी, डॉक्टर वाजपेयी जी। सर मेरा छोटी सी एक जिज्ञासा है कि हमारा जो कश्मीर का इतिहास है वो इतना रिच और इतना अच्छा रहा है कि वहाँ के स्थानों के नाम भी कहीं खीर भवानी, कहीं शंकराचार्य का मठ और सब कुछ है, पर वो क्या कारण थे कि हमने वहाँ हिंदू जो संस्कृति थी उसका लोप हो गया, और धीरे धीरे आज के तारीख में पिछले कुछ समय से जब हमारे कश्मीरी हिंदू भाई वहां से भगा दिए गए, तो उन कारणों पर मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए पैनल की तरफ से कि क्या कारण रहे कि हमारी हिंदू संस्कृति का वहां पर प्रश्न की जरूरत है कि हम फिर से उसको वहां पर पुनर्स्थापित कर सके। जी सर, आपकी बात से सहमत। जी जी, पहले की वक्ता बोले वो होगा क्या एकेडमिक से ये पॉलिटिकल ना हो जाए तो ये है, लेकिन भी उत्तर आप दे सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट जो भी उत्तर देना चाहें बहुत संक्षेप में, क्योंकि लगभग समय हो रहा है तो। जी जी जी, मैं दूं उत्तर इसका आशुतोष जी। हाँ जी, संक्षेप में। और हाँ, संक्षेप में जैसे वाजपेयी जी ने एक जो मेरा व्याख्यान अगर उन्होंने सुना होगा जी, तो मैंने उसमें एक डिसंस्कृताइजेशन की बात की, और मैं तो कहता हूँ राजनीति जो है अपने आप में टेबू नहीं है, राजनीति जो है वो प्लेस कॉन्शियसनेस पर आधारित है, एक शास्त्र है। और कश्मीर के संदर्भ में मैं कहूंगा कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि दिल्ली में जो एक सबवर्शन की प्रोसेस रही 14वीं शताब्दी के बाद, चीजों को देखना, मूल में नहीं जाना। अगर हम भारत में, पूरे भारत में महाभारत रामायण देख सकते हैं, तो कश्मीर में हम राजतरंगनी की जो तीन, हमें तो कलहन की राजतरंगनी के बारे में पता है, श्रीवर और जोन राज की राजतरंगनी, हमें हिस्टोरिकल करेक्टनेस के लिए ये जो प्राइमरी सोर्सेज है इनको पॉलिसी डिस्कोर्स में लाना पड़ेगा। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जैसे हम कामसूत्र की बात करते हैं, कश्मीर में कोक शास्त्र है, तो इस तरह की चीजें जो इंडिजिनियस क्या कहें, वो संस्कृत इंडिया का पार्ट है, इन चीजों को जो हमारे, आप किसी भी चीज को देख लीजिए, उसको आपको डिस्कोर्स में लाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, परमार्थिका और व्यवहारिका को अंग्रेजों ने या एंजलिसाइज लोगों ने शैतानी से, उनको पता था कि अगर ये चीजें रहीं, अब देखिए पूरे भारत में जब कहीं लड़ाई, राष्ट्रभाषा की लड़ाई हो, तो वहां लोगों को संस्कृत से कोई परेशानी नहीं है, साउथ में भी, लेकिन बाकी भाषाओं से क्यों? संस्कृत भारत के रक्त समान, रक्त की तरह प्रवास करता है उसमें। तो संस्कृत सोर्सेज में कश्मीर में जो चीजें हैं उनके ऊपर रिसर्च चाहिए, और प्राइमरी सोर्सेज पर जब बात करेंगे आपकी कोई भ्रांतियां रहेंगी नहीं। और दिल्ली में वो सेकेंडरी सोर्सेज को रेफरेंस बना के काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बाहर की किताबें जैसे आप मैक्स मुलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ की राजतरंगनी इंपॉर्टेंट नहीं, जहां पर एक्यूरेट हिस्ट्री है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन है। जब भारत के पोलिटिकल डिस्कोर्स में, भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, कश्मीर के प्रामाणिक ग्रंथों को संदर्भ में लाया जाएगा, ये सारी भ्रांतियां, ये जो डिसमेंटल किया जा रहा है नॉर्दर्न फ्रंटियर को कश्मीर में, वो सारा रुक जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक संक्षेप में एक वाक्य कहना चाहता हूँ अष्टो जी। जी सर, वो प्लेटो ने कहा है हिस्ट्री इज रिटन बाय अ विनर। ठीक बात है। तो जो कश्मीर की हिस्ट्री है, इस्लामीकरण हुआ और उन लोगों ने हर एक चीज का इस्लामीकरण करने की कोशिश की। शेख अब्दुल्ला जब आए, उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत सारे गांवों के नाम मुसलमान कर दिए। अब आप यूपी में ही देखिए, अभी भी हमारे मुसलमान नामों पर ही बहुत सारे शहर है, आजमगढ़, मुजफ्फराबाद, फैजाबाद,
ये सब मुसलमानों के, आज तक हमने तो यहाँ तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ तो हमने वहां भी नहीं इनके नाम वापस से हिंदू नाम कर पाए। अहमदाबाद हो गया, अभी भी हम मुसलमानों के नामों से चला रहे हैं शहर जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। और कश्मीर में तो हमारे को अपने आप को भी बचाना था, संस्कृति को भी बचाना था, देश को भी बचाना था और अपने जीवन को भी बचाना था। तो हमारी जो लड़ाई थी मल्टी डायमेंशनल लड़ाई थी, सर्वाइवल की लड़ाई थी जी। तो हम अपने जब हम खुद ही सुरक्षित रह पाते तब ये सब बच पाया। और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ वो भी नहीं कर पा रहे, तो सबको मिलकर काम करना है इसमें, बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद। हेलो। और मुझे लगता है कि ये सेमिनार करने में बहुत देर कर दी, ये मेरा दायित्व तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से इसका भाग तो हम लेंगे। हाँ जी, हेलो, प्रश्न क्या है? हाँ, हाँ, मैं सर सौरभ गुप्ता बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से जी। मैं महेश कॉल जी को मैंने सुना सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ अभी आज की डेट में। और मैंने पंडित जी को भी सुना, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ आज की डेट से सर। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतलब सर ने, महेश कॉल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लड़ाई का जो हमारा धर्म युद्ध का जो क्षेत्र है वो किस, जैसे मैं जैसे युवा हूँ, मेरा 28 to 29 ईयर्स मेरा ओल्ड मेरी एज है, तो मैं अगर आज मैं अगर लड़ने की तैयारी मतलब इस धर्म युद्ध में लड़ाई की तैयारी करूँ तो मुझे किस ट्रैक को अपनाना होगा ताकि मैं भविष्य में इन सभी बुराइयों को समाप्त कर सकूँ। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा रास्ता जरूर हमें दिखाया जाए जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए सर आज के डेट में। हम इन सभी प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। जी जी जी, बात तो बिल्कुल सही है और हम स्थापित नहीं कर पा रहे, हम लोगों ने दायित्व को समझने में बहुत देर कर दी। 70 साल में जो उत्तर चाहिए किया गया है उसको समझने में वक्त लगे। हमें एक रास्ता जरूर चाहिए सर, रास्ता जरूर चाहिए हमें। मैं उत्तर दूं? जी सर, आपका धन्यवाद। देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग युवा लोग, हम भी बुजुर्ग नहीं है लेकिन हमने त्रासदी देखी है और ये चीज देख रहे हैं। लेकिन लेकिन एक बात है मैं कहना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा कि मेमोरी इज अ शील्ड, और कहीं पर भी जहां जेनोसाइड होता है और जेनोसाइड का डिनायल होता है, जेनोसाइड डुप्लीकेट करता है। कश्मीर में जेनोसाइड को डिनाई किया गया, इसलिए आपका 24 परगना में, बंगाल में ये डुप्लीकेट हो। अब इसका रास्ता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, वे फॉरवर्ड। ये जो लड़ाई है केवल युद्ध स्तरीय लड़ाई है, ये कंप्रेहेंसिव वार है। जैसे आशुतोष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी शुरू में, उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी मायावी है और ये लड़ाई भी मायावी लड़ाई। आपका शत्रु जो है, मुझे पता है गीलानी भारत विरोधी है, फारूक भारत विरोधी है, लेकिन उन लोगों का क्या करूं जो भारत के गवर्नेंस में रावण है लेकिन वो ऋषि का वेश बदलकर सीता का हरण करते हैं। तो इस समय एक चीज का ध्यान रखना है, भगवान कृष्ण ने जब पूतना को मारा था तो कैसे मारा था? भगवान कृष्ण तो छोटे से बच्चे थे और उन्होंने जब उसका स्तनपान किया, उन्होंने एक बात, सुंदर स्त्री के रूप में आई, जब स्तनपान किया उन्होंने, उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई बल नहीं था, बच्चे ने क्या किया होगा? मुझे लगता है, मेरा आभास है, उसने पूतना के कान में इतना कह दिया कि मैंने तुझे पहचान लिया, तू पूतना है। जब आप किसी आताताई को सामने कह देते हो मैंने तुम्हें पहचान लिया, उसका तिलसिम टूट जाता है। हमने आज तक तिलसिम तोड़ने के लिए स्पष्ट शब्दों को स्पेड इज स्पेड नहीं कहा। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्घटना है, हमारी वो हम कहेंगे कि कमजोरी रही। दूसरी बात कि ये लड़ाई केवल युद्ध स्तर पर नहीं, बैटल ऑफ वॉर में नहीं, एकेडमिक स्तर पर, पत्रकारिता में, रिसर्च में, हर जगह, समाज के हर क्षेत्र में लड़नी है। इसके लिए आपको अपने काम को सेगमेंटाइज करना, हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा, जब आप 10 लोगों से ये बात करेंगे इसका चेन रिएक्शन होता है, तो यही कारण है। और अपनी पड़ताल भी करिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर विषय में, हर फील्ड में हमें तैयार रहना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, माय बाइंड ऑफ रिसर्च, बेंट ऑफ रिसर्च, हमारी एक परेशानी है, पंडिता जी ने इतना बड़ा रिसर्च कर रखा है, अब हम कहेंगे पंडिता जी ने क्या किया था, हम खुद खगा लेंगे। वी शुड ट्राई टू लुक फ्रॉम द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, नहीं तो हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आगे चलाना है। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ मैं कहूंगा उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए, डेथ इमर्शन करिए। और हमारे भारत में कम से कम प्राइमरी सोर्सेज जरूर पढ़िए, एक प्राइमरी सोर्स, एक संकल्प हो कि हमने अपने जीवन में मगर कम से कम कश्मीर के बारे में कोई एक किताब पढ़ी है क्या? राजतरंगनी पढ़ी है क्या? आपने नीलमत पुराण पढ़ा है क्या? आपने सत्व चिंतामणि पढ़ी है?
पास से ये उत्पलाचार्य का शिव स्तोत्रावली पढ़ी है, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, धार्मिक ग्रंथों को पूजा घर में नहीं रखना, दे आर सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, हमारे ऊपर वो ब्रह्म फैलाया गया, तो इनको बाहर निकालिए, इसमें पूंजी भी है, इसमें आपको कुंजी भी मिलेगी, तो ये मेरा निवेदन है आपसे। अच्छे शब्द, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। एक अंतिम प्रश्न अगर किसी का कोई है तो लें, उसके बाद फिर हम जो है। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार आशुतोष जी। हाँ जी, मैं संध्या गौतम बोल रही हूँ। आपने जो ये आज का जो सेमिनार है, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही 15 अगस्त को मैंने कविता लिखी थी, हाँ जी, उसका मैं थोड़ा सा अंश सुनाना चाहूंगी आपको जी। सपनों का अखंड भारत जब हकीकत में बदले तो मन उमड़ उमड़ आता है, देखते ही देखते भारत का छूटा अंश भारत में विलय हो जाता है। कश्मीर आजादी पर तिरंगा अपनी शान दिखाता है, अपने परचम की लहर देख भारत गरिमा से भर जाता है। गौरवमयी इतिहास का पन्ना भारत की महिमा गाता है, कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर बन गया, शंकराचार्य ने भारत को अखंड कर दिया, मारतंड मंदिर प्रकृति का प्रांगण बन गया, खीर भवानी मंदिर शक्ति स्थल बन गया, अमरनाथ ने भारतीयों में दम भर दिया, भाईचारे का पैगाम लाकर इतिहास बदल दिया। बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहूंगी कि जो कश्मीर की संस्कृति है और कश्मीर का इतिहास है, सचमुच बहुत ही गौरवमयी, और आज इतना कुछ सुनने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तीनों ही जो हमारे वक्ता थे, वर्षा जी, महेश कौल जी और काशीनाथ जी, मैं सबको बधाई भी देती हूँ, और जिन्होंने हमारे ज्ञान को समृद्ध किया, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली अष्टो जी एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जैसे संध्या जी ने जो अपनी कविता के बाद में कहा, खाली एक करेक्शन करना चाहता हूँ, जो खीर भवानी है, खीर भवानी का वास्तविक नाम है महारागिन्या, वहाँ वहाँ उस मंदिर में खीर चढ़ाई जाती है, इसलिए लोग उसको अब हाँ उसको लोकाचार के नाम से खीर भवानी कहते हैं, बट असली नाम बोलना इसलिए क्योंकि कल को खीर भवानी ही प्रचलित हो जाएगा, और फिर खीर भवानी कब से शुरू होगी वो कहेंगे, ये तो कुछ आज से 50 साल पहले लोग खीर चढ़ाने लगे थे, तो इसलिए खीर भवानी ज्यादा पुराना नहीं है। जो इसका वास्तविक नाम है वो महारागिन्या है, और महारागिन्या भी हनुमान जी ने लंका से लाई थी कश्मीर, तो ये इसका इतिहास है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नहीं, आपका आभार, आपने कहा, मेरा एक फर्ज बनता है कि किसी जगह पे कोई करेक्शन, मतलब जो भी और आपके ज्ञान में वर्धन कर सकूं वो करना चाहिए। हेलो आशदो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, धन्यवाद मैडम, थैंक यू आप सभी की बात। मैडम सीमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी सर, मुझे एक्चुअली उनके बुक्स के जो पंडिता जी ने बुक्स बताई है उनके नाम मुझे एक बार कन्फर्म करने थे जी। आदित्य पब्लिकेशन की है आई थिंक। हाँ जी, दो एक बाहरिस्तान शाही है, एक तोहफातुल अहबाब। तो वो ट्रांसलेशन उनकी किस नाम पे है सर? वो इसी नाम से मिल जाएंगी आपको, इसी नाम से जो बाहरिस्तान शाही। आपने इसमें जी आशुतोष जी, डॉक्टर महेश कौल जी ने भी एक पुस्तक अभी रिसेंटली लिखी है, और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर अ वे फॉरवर्ड, और ये पंता जी ने भी दो पुस्तकें लिखी है, तो आप उनकी लिस्ट, आप सब जितने भी लोग आज प्रेजेंट हैं उनको एक मेल में कर दीजिए सेपरेट। हां जी सर, दैट्स कर देते हैं। आप एक काम करिए कि इसको चैट में डाल दीजिए, दो नाम अगर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, सभी के पास पहुंच जाएगा। और इसके साथ जो मैं, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ एक और विचार करना चाह रहा था, और डॉक्टर वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, तो वो प्रिंसिपल हैं जगाधरी कॉलेज में, तो उनके साथ भी मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या हम कोई माइथोलॉजी और हिस्ट्री को मिलाकर के भी कोई बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन दोनों के बीच में बड़ा कम सा अंतर है, तो ऐसा जल्दी से कोई संभावना हो तो इससे पहले कि इसका कश्मीर का हिंदू इतिहास का भाग दो करें, उससे पूर्व एक हम इस विषय पे भी चर्चा रखें कि इतिहास और माइथोलॉजी के जो संबंध है, माइथोलॉजी शब्द तो गलत है हमारे
लेकिन फिर भी आजकल प्रयोग में है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि अगर आप इस विषय को लें जरूर, ये बहुत आवश्यक है जी, और क्योंकि आपका विषय भी ऐसा है जहां पर ये दोनों चीजें बड़ी मिलती हैं। बिल्कुल, इसको जल्दी से कुछ इस पे करके और इसी तरह का एक वेबिनार हम लोग या कुछ वेब संगोष्ठी कर पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद सर। इसको मैं बल्कि आशुतोष जी मैं ये कहूंगा कि कश्मीर से लेके गांधार तक ये एक पूरा कश्मीर का भूखंड था जिसको हम कश्मीर गांधार जनपद के नाम से भी प्रचलित था, तो उसके पे ही आप एक विशेष सेमिनार कर दीजिए। ठीक है सर, इसको अभी पार्ट कश्मीर गांधार जनपद आप लोग मुझे बताएंगे जिनको स्पीकर्स के तौर पे इनवाइट कर सकते हैं, मेरी जानकारी बहुत कम है, सीमित है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजीव घारू जी को, जो डायरेक्टर है महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। और साथ ही मेरा ये निवेदन है कि सभी प्लीज जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो फीडबैक फॉर्म भर दीजिए और आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगा, जिनकी आवश्यकता है प्लीज आवश्यकता है। संजीव घारू जी हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है और आप दिखाई भी दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के इस वेबिनार में जिसका विषय हमारा रहा कश्मीर का हिंदू इतिहास भाग एक, आज के लोगों को धन्यवाद करता हूँ आपसे। मैं एक बार फिर से शुक्रिया मैं बता रहा हूँ, संजीव घारू महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व के तौर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर काशीनाथ जी के चरणों में मेरी वंदना स्वीकार करें वो डॉक्टर साहब, और डॉक्टर महेश कौल और डॉक्टर वर्षा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। जितने हमारे साथी सहयोगी आज इस वेबिनार में उनका भी मैं विशेष तौर पर 90 की संख्या तक तकरीबन रही, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका नाम लूंगा तो वो लंबा हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, धन्यवाद ज्ञापित मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक श्रोता के तौर पर मेरा भी एक प्रश्न था मन का, अगर उसका निवारण किया जाएगा तो मैं आपका और आभार प्रकट कर पाऊंगा। मेरा प्रश्न ये है कि कश्मीर जहाँ हम हिंदू शब्द की व्याख्या कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि हमें जो सोर्सेज हैं प्राइमरी सोर्सेज में हमें जाना चाहिए, अभी सौरभ गुप्ता जी ने एक बात कही थी, डॉक्टर महेश कौल जी से प्रश्न किया था उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि राजनीति में बहुत रावण बैठे हैं, तो सर मुझे लगता है कि अगर रावण बैठे हैं तो यहाँ पर राघव की बहुत आवश्यकता होगी, तो आपको ऐसे कृष्ण की भूमिका अदा करनी पड़ेगी जो आप अर्जुन तैयार कर सको, और सौरभ गुप्ता जैसे जो हमारे और यहाँ पर जुड़े हुए हैं कम से कम अपना गांडीव लेकर उन कौरवों या रावणों का वध जरूर कर सकते हैं, चाहे वो गांडीव है चाहे वो सारंग है, अब आपको तय करना है कि आपको कृष्ण की भूमिका अदा करनी है। विश्वामित्र हमारे पास है, और मेरा प्रश्न ये था कि कश्मीर को अक्सर बात की जाती है कश्यप ऋषि के नाम से जोड़कर देखा जाता है, कश्मीर को केसर के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, तो एक और प्रचलित कथा है जिसमें कश्मीर को कुश के साथ जोड़कर देखा गया कि कुश जो थे श्री राम जी के पुत्र लव कुश, मैं से कुश की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने इसको यहाँ पर उनका एक केंद्र था, अब उन्होंने इसको बसाया था या केंद्र रखा था, जैसे लव लाहौर से ऑपरेट करते थे या जहां से भी ऑपरेट करते थे, इस पे कंफ्यूजन रहता है कि वो कश्यप जी से रिलेट करे कुश के साथ रिलेट करे कि ये विरोधाभास रहता है, ये छोटा सा प्रश्न मेरा आपको बताएं। धन्यवाद, आपने कर लिया तो प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा आपको। जी सर, धन्यवाद से हो गया। ठीक है, हाँ जी, वाल्मीकि रामायण में ये संदर्भ आता है कि कुश का जो राज्य है वो वहाँ तक फैला है, और बाद के भी कई संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं, तो यदि कोई टिप्पणी आप में से कोई करना चाहे तो उसका स्वागत है, और फिर उसके बाद हम सभा जो है विसर्जित करेंगे, सभा को समाप्त करेंगे चर्चा को। हेलो, हाँ जी, हाँ जी महेश जी, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न, जैसे मैंने अभी कहा, अभी बात की आपसे, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा
अब जम्मू जम्मू कश्मीर का अंग है, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस दौरान मुझे एक बड़ी, मैंने एक पेपर लिखा टूरिज्म के ऊपर था बेसिकली, मार्केटिंग ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू करके। तो आप हैरान होंगे कि जम्मू को लेकर वहां पर जो मेरे सामने हिस्ट्री आई, मैं अचंभित रह गया। जम्मू जब रावी के तट से शुरू होता है लगनपुर के आगे, तो वहां पे अग्निबरण और अग्निगीर का वहां पर जिक्र आता है, उसमें संदर्भ आता है, ये सारे इसी वंश के थे। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, अग्निबरण और अग्निगीर की डायनास्टी, जम्मू के जितने राजा निकले वो रघुवंशी है, सूर्यवंशी है। अग्निबरण और अग्निगीर से ही ये डोगरा डायनास्टी चलिया, उसी डायनास्टी से। तो इसका मतलब हुआ, इसका वर्चस्व यहां तक है, तो लाहौर तक क्या, हम तो कहते हैं जो वेस्टर्न लैंड्स ऑफ इंडिया है, इसको देखना पड़ेगा पूरी तरह से। और मैंने कहा ना, हमने संस्कृत सोर्सों को बुला दिया, प्राइमरी सोर्सेस को, इस हम अपनी दादियों से सुनते थे, लेकिन वो तो छोड़िए, उनके पास जो वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा था। लेकिन जो अभी रिसर्च किया हमने, आर्काइवल मटेरियल, यहाँ रणबीर लाइब्रेरी है जम्मू में, वहाँ आपको ऑनलाइन आर्काइव्स ही आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर मिलेंगे। और यहाँ तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा को के ऊपर भी प्रश्न उठाए गए। तो कहने का मतलब डिस्टॉर्शन बड़ा हुआ। तो ये इसमें कोई भी, ये जो लोग कहते हैं राम इज नॉट ए जस्ट ए मिथिकल पर्सन, हमारे यहाँ पर ये जो आप इकबाल जो कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन करते हैं आइडियोलॉजी से, वो तक कहते हैं राम इमाम हिंद है। तो ये लोग जब कहें, इन्होंने सोर्सेस किए, इन्होंने हमारे सोर्सेस का डिस्टॉर्शन कैसे किया, इन्होंने पढ़ लिए, फिर जैसे पंडिता जी ने कहा दबा दिए, लेकिन हम तक नहीं पहुंचे। तो रामायण में इसमें जो वर्चस्व पूरा था, पूरे भूखंड में, ग्रेटर इंडिया, रामायण का कंसेप्ट ग्रेटर इंडिया का था, लव कुश का रोल ग्रेटर इंडिया बनाने में रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे पर्शियन सोर्सेज में, कुछ एक प्रोफेसर सुखदेव सिंह चाड़क हैं जम्मू से, उन्होंने इंडियाज वेस्टर्न लैंड करके एक बुकलेट लिखी, इंडियाज वेस्टर्न लैंड्स, डॉक्टर SDS चाड़क। तो उस पुस्तक में इन चीजों का जिक्र है, उनका हिमालयन स्टेट्स के ऊपर पूरा कलेक्शन है। उन्होंने फारसी किया, संस्कृत सोर्सेज का भी जिक्र किया, जहां ये लव कुश की बात बड़ी क्लियर होती है, अग्निबरण अग्निगीर का कंसेप्ट वहां से, वहां रियलिटी वहां से मिली। तो आप जरूर देखिएगा हिस्ट्री ऑफ हिमालयन स्टेट्स, जिसमें SDS चाड़क के कंप्लीट वॉल्यूम्स हैं, और आप हैरान हो जाएंगे। ये हमारा शिव खोड़ी का त्रिशूल है यहाँ पर, वहां पर जो स्क्रिप्ट मिलती है, हम कहते हैं वहां पर माता पार्वती और उनका जो विवाह हुआ था। तो ये कहने का मतलब है संदर्भ पूरे हैं, ये मिथिकल नहीं है, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं हमारे। तो इस पर क्लैरिटी है, ठीक है। इस विषय को जरूर हम संदर्भ में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जी मैम, जी मैम, मैडम बताइए। डॉक्टर महेश कोल जी ने कहा है कि SDS चाड़क जी की बुक है, आपकी आवाज थोड़ी कम है मैडम, प्लीज थोड़ा वॉल्यूम लाउड करें। जैसे कि डॉक्टर महेश जी ने कहा है जी कि SDS चाड़क जी की बुक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही एक और किताब है जो राज दर्शनी, जो कि जब गणेश दास बडेरा की, गणेश दास बडेरा की गुलाम के टाइम, जी। तो उस मतलब अगर SDS चाड़क जी जो है उन्होंने सारा जो अपना मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो राजदर्शनी से ही लिया हुआ, इवन राजदर्शनी को ही वो भी उन्होंने ही ट्रांसलेट की हुई, वो पर्शियन में है, तो उसको ट्रांसलेट जो है SDS चाड़क जी ने किया। तो अगर मेन टेक्स्ट अगर हमें पढ़े तो वो हमें राजदर्शनी में ज्यादा क्लियर जो है वो मिलता है इसके बारे में। और कश्मीर का जो नाम है क से कश्यप, तो हमें इसमें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिम्मत पुराण में हमें दो ट्रेडिशंस मिले, एक तो कि एक ट्रेडिशन ये कहती है कि कश्मीर का जो नाम है वो कश्यप से है, और दूसरा जो ट्रेडिशन हमें हिम्मत पुराण में मिलती है उसमें है कि उसमें कहा गया कि क जो है वो स्टैंड्स फॉर वाटर, तो इसलिए बिकॉज कश्मीर जो था इट वॉज द लैंड फिल्ड विद द वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कश्मीर। आप नीलमत पुराण में जो वर्स दिया है, मुझे संस्कृत तो नहीं आती, पर उसका जो ट्रांसलेशन वेदगिरी जी ने किया है वो ऐसे है कि बिकॉज वाटर कॉल्ड का वाज टेकन आउट बाय बलराम फ्रॉम दिस कंट्री, सो दिस वाज कॉल्ड कश्मीर इन दिस वर्ल्ड। दैट्स वंडरफुल। ये तो कश्मीर की ये व्याख्या तो हमें भी नहीं पता थी, वो संस्कृत की वजह से हम कश्यप से तो जोड़ते ही थे माइथोलॉजी के उस एंगल से, लेकिन दिस इज गुड इंफॉर्मेशन मैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, इसमें अष्टो जी कश्मीर का पहला जो नाम भी मिलता है, जैसे ब्रिंगेश संहिता में इसको शारदा देश भी कहते थे, और उससे पहले सतीसर,
अच्छा, ये मेरी जानकारी में नहीं, तो बात भी नहीं है। हाँ, जो कश्मीर का असली नाम है, ऋषि कश्यप के आने से पहले इसको सतीसर कहते थे, ये पूरा पानी में ही था। वो फिर बाद में भगवान विष्णु के वरा रूप ने बारामूला में जाके वहां से गॉड्स क्रिएट किया और पानी सब बाहर निकल गया, तो उस जगह को बारामूला को, जो आज का बारामूला, उसको वरामूल कहते हैं असली में। वरामूल तो आपको पता ही है, भगवान विष्णु का जो रूप है वरा। चलिए, अब जो इन्होंने कहा कि कुश के कारण जो कुश थे, लव और कुश, जो कुश थे उनका जो उनकी जो उन्होंने जो शहर बसाया था वो था तक्षशिला। तो तक्षशिला तक तो कुश का इन्फ्लुएंस माना जाता है, पर कश्मीर में, मतलब आज के कश्मीर में उनका कोई इन्फ्लुएंस ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण मिला नहीं है। परंतु इतना जरूर कुछ लोग कहते, क्योंकि कुशंस लोग आते थे, ये जो कुशन थे, तो कुछ लोग कहते कि नहीं, कुशनों ने उसको बसाया, तो वो एक भ्रांति है, मतलब उसपे अभी क्लैरिटी नहीं है जी, उस एक सब्जेक्ट पे। चलिए, मैं समझता हूँ कि आज के लिए जितनी हमें सूचनाएं मिली हैं, जितना हमारा उन सूचनाओं से ज्ञानवर्धन हुआ है, और ज्ञानवर्धन होने से जितनी हमारी दृष्टि का विकास हुआ है, दृष्टि खुली है, जो अभी तक केवल मात्र 30 डिग्री के कोण पे देख पा रही थी, वो अब कम से कम 45 से ऊपर डिग्री में देखने में सक्षम हुई है। तो उसके लिए मैं आज के तीनों मुख्य वक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। मैडम वर्षा जी ने जिस तरीके से एक पूरे हिस्टोरियन के रूप में बड़े सिलसिलेवार अपनी पूरी बात को हमारे साथ शेयर किया, वो हमारे लिए बड़ा ही एक प्रभावशाली एक लेक्चर था। और मैं समझता हूँ कि मैडम अगर अपना PPT हमारे साथ शेयर करें तो ज़रूर उसको मैं चाहूँगा कि आगे हम सभी लोगों तक पहुँचाएँ, और अगर ये पेपर भी हमारे पास भेजना चाहें तो हम अपने जो जर्नल छपता है उसमें ज़रूर इसको शामिल करना चाहेंगे। पूर्व मीमांसा के नाम से रिसर्च जर्नल छपता है, तो बाई एनुअल है, उसमें भेज सकते हैं। बाकी डॉक्टर महेश कौल जी ने जिस तरह से, जिस अनुभव से और जिस भावना से और जितने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है, वो वाकई दूसरों को उत्साहित करने वाली है। लगता है कि तथ्य जीवित होते हैं, इतिहास में अगर तथ्य जीवित हो जाएं तो मैं समझता हूं कि वक्ता की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और हमारे तीसरे वक्ता डॉक्टर काशीनाथ पंडित जी, उनके सामने तो केवल हम प्रणाम ही कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनके साथ तो चुनौती होती है, लेकिन जो विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंस जिनमें झलकती है, उनके आगे तो आप झुक करके उनके से आशीर्वाद ही ले सकते हैं। तो इसी दृष्टि से मैं उनको प्रणाम भी करता हूं, और मैं चाहूंगा कि वो अपने ज्ञान का आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। और इसके साथ मैं चौथे स्तर पर, अंतिम स्तर पर सभी प्रतिभागियों का, जो पहले जुड़े हुए थे और बाद में मेरी दुष्टता की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक और बड़े रुचिकर प्रश्न पूछे और इतना योगदान दिया। इस सारे के सारे सेमिनार को, वेबिनार को उन्होंने सफल बनाया है, बड़े सलीके से और बड़े ढंग के और बड़े उचित उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे, और मैं संपर्क में रहूँगा आप लोगों के, और इसी का सेकंड भाग जरूर जल्दी से जल्दी करेंगे। और एक जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है, डॉक्टर वाजपेयी जी के साथ मिलकर के इतिहास और माइथोलॉजी के ऊपर भी एक विषय हम जरूर लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, संजीव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी का, जो जिन्होंने ये सारे फॉर्म डिज़ाइन किए और आप लोगों के सर्टिफिकेट आप लोगों तक पहुंच भी गए होंगे अब तक, तो आप लोगों का आप लोग ज़रूर भर दीजिएगा फॉर्म, जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आप लोगों तक साथ ही साथ पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का आभार, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। मैं पुनः फिर हम लोग मिलेंगे कश्मीर के हिंदू इतिहास भाग दो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद। आशुतोष जी, ये रिकॉर्डेड है क्या? आशुतोष जी, रिकॉर्डेड है तो आप लिंक भेज सकते हैं। जी जी, मैं इसको अपलोड अगले घंटे में कर दूंगा, दो भागों में अपलोड होगा।